नमस्कार, लेट्स अप मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे मुंबई येथील जुहू. तुम्ही पाहू शकता माझ्या मागे गाडी ही ऑडी आहे. गाडीचा नंबर आहे H26BS0717. ही आहे ऑडी. खरं तर ही गाडी बिझनेसमॅन किंवा मोठे मोठे बिझनेसमॅन किंवा जे श्रीमंत आहेत त्यांच्याकडे पाहिली जाते, परंतु ही गाडी एका चहावाल्याकडे आहे. तुम्ही पाहू शकता ही गाडी करोड रुपयाची आहे आणि चहा विक्रेते हे गाडीचं ओनर आहेत. तुम्ही पाहू शकता माझ्यासोबत स्वतः गाडीचे ओनर आणि चहा विक्रेते आहेत. पण पाहूयात आप क्या काम करते हो. जी, मैं सुबह तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, साथ साथ में एक्टिंग लाइन में ट्राई कर रहा हूँ, और शाम को हम यहाँ एक चाय का सेटअप लगाते हैं जिसको हमने नाम दिया है ओडी टी, मतलब ऑन ड्राइव टी. और लोगों ने हमें प्यार से एक नाम दिया है ओडी चाय वाला, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है. जी, आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि ऑडी से ही चाय बेचा जाए, ऑडी में चाय बेचा जाए? ऑडी से चाय बेचने का ख्याल ऐसे आया कि मतलब हम एक दिन रात को घूम रहे थे खुद चाय पीने के लिए, और हमें अच्छी चाय नहीं मिली यहाँ पे कहीं. तो मेरा एक फ्रेंड है साथ में, भाई मन्नू शर्मा, तो मन्नू ने कहा यार अमित चाय बेचना ही शुरू कर देते हैं. तो मैंने कहा हाँ भाई, चाय तो बेचेंगे लेकिन थोड़ा यूनिक तरीके से बेचेंगे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी खड़ी थी तो दिमाग में आया कि ऑडी में चाय बेची जाए, जो कि आज तक हिंदुस्तान में आज से पहले नहीं हुआ. तो थोड़ा यूनिक लगा हमें खुद को भी, और हमें मतलब उम्मीद थी कि ये लोगों को भी यूनिक लगेगा और पसंद आएगा लोगों को, और वही हुआ. जैसे ही हमने काम शुरू किया और काम शुरू करते ही 2 महीने में लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मीडिया ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज मतलब हमारी ओडीटी को इतने ऊँचे मुकाम पर पहुँचा दिया लोगों ने कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ काम करने में, और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम मुंबई में एक ओडीटी नाम से एक फ्रेंचाइजी चला रहे हैं जो कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में आज मशहूर है. आपने जब ये ऑडी गाड़ी खरीदी तब क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम है, घर वालों ने सपोर्ट किया या कुछ दिक्कतें आई? जी सर, मतलब घर वालों ने तो शुरू से सपोर्ट किया है, बहुत मतलब आज भी सपोर्ट कर रहे हैं. दिक्कतें ज़रूर आई थी सर, थोड़ा मतलब फाइनेंशियली भी, गाड़ी जो बहुत महंगी गाड़ी है तो इसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, पर कर रहे हैं सर, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है. ये काम शुरू करने से पहले भी सर बहुत दिक्कतें आई थी हमें, पहले तो लोकेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि यहाँ कहीं भी लगा नहीं सकते. तो लोखंडवाला बैक रोड मिला हमें लास्ट में आके, बहुत बढ़िया लोकेशन मिली. यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि बहुत ही मतलब जल्दी ये काम ग्रो कर गया, और इसे बहुत जल्दी और भी ग्रो करेंगे सर. आमच्यासोबत त्यांचे मित्र देखील आहेत, आपण त्यांच्याशी वार्ता करूयात. मुंबई में हाल ही में हम आए थे और यहाँ पे एक्टर बनने का सपना लेके आए थे, पर यहाँ पर आकर देखा कि इतना स्ट्रगल है कि हमको कुछ ना कुछ उसके साथ भी करना पड़ेगा. तो मैं और अमित, जैसे कि बताया, हम घूम रहे थे रात को, हमारा ये प्लान हुआ. पूरी रात बैठ के हमने इस प्लान के बारे में डिस्कस किया, इसको पूरा प्लान को बनाया, और मतलब बनाने के बाद ये आपके सामने आज रिजल्ट है जो हम दोनों ने मिलके मतलब इस काम को पूरा एक ऊँचाइयों पर पहुँचाया है. और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्यार देख के, मुंबई वालों का प्यार देख के. इतने बड़े बड़े एक्टर हैं जो कि हमारे पास चाय पीने आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू. और सीरियसली, इतने जितने भी मीडिया वाले हैं, जितना भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, वो शायद ही हमको कहीं मिल पाता मुंबई के अलावा. तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने जैसे कहा अभी कि बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, कौन एक्टर आए? जैसे कि मतलब अपने कृष्णा जी आए थे अभी हाल ही में, सौंदर्या शर्मा जी हैं बिग बॉस में, वो आए थे अभी. और अनु मलिक के भाई जी हैं अबू मलिक जी, वो आए थे अभी हाल ही में. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हमारे पास आए हैं और हमें आशीर्वाद दे के गए हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और सीरियसली, आपका आशीर्वाद दे के हमको सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से. आप दिन में कितने चाय बेच ली थी और कब से, कितने बजे से लेके कितने बजे तक आपका स्टॉल लगता है? ये दिन में हम मतलब शाम को आते हैं यहाँ 6 बजे और रात के करीबन 11 बजे तक हम यहाँ पे रहते हैं. और अभी दिन में लगभग हम 400 के करीब कप बेच लेते हैं, और एक कप की कीमत हमने मात्र 20 रुपये रखी है. कोई भी बंदा आके हमारी लग्जरी चाय जो है वो टेस्ट कर सकता है. कई बार लोगों को लगता है यार ऑडी में चाय बेच रहे हैं तो पता नहीं कितनी महंगी होगी, 200-300 रुपये की होगी. तो उन लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है, सिर्फ 20 रुपये चाय है. एक ऑटो वाले से लेके एक जैगवार वाला, कोई भी मतलब बंदा जो है हमारी लग्जरी चाय पी सकता है और इसका आनंद ले सकता है. और हमारी एक टैग लाइन भी है कि थिंक लग्जरी और ड्रिंक लग्जरी. तो नक्कीच तुम्ही पाहू शकता, तर ह्या बघू शकता तुम्ही ODT ऑन ड्राइव टी, म्हणजे टी, कॉफी, बूस्ट, ह्या तिन्ही प्रकारचे पेय तुमच्याकडे उपलब्ध आहे त्यांच्याकडे, आणि मात्र 20 रुपयात
ह्यांची चहा किंवा कॉफी आहे, आणि जसं त्यांनी सांगितलं की मोठे मोठे ॲक्टर देखील त्यांच्याकडे चहा पिण्यासाठी येतात. तर तुम्ही पाहू शकता हे तिथे ऑन द स्पॉट तिथे चहा बनवत आहेत, सर्व काही करत आहेत. कस्टमर देखील आहेत आपल्याकडे, तुम्ही पाहू शकता. ते सुद्धा BMW घेऊन आलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. तर तुम्ही पाहू शकता, आपण त्यांच्याशीच बोलूयात. सर जी, आप BMW उतरे हैं ODT उनके पास चाय पीने के लिए, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है मेरे को. कैसी लगी चाय की टेस्ट? कैसी? बढ़िया लगी यार. बढ़िया कुछ लगी तो कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, आजकल काफ़ी फेमस है. सो मैं होप करता हूँ कि इनका काफ़ी बड़े नाम इनका, बस यही दुआ है. मज़ा आ गया. तर हे होते ODT चहाचे मालक, म्हणजे ऑडी ज्यांची आहे त्यांची चहाचे मालक आहेत. मी श्रीकृष्ण आवटी, लेट्सअप मराठी, मुंबई.